आज हम बिहार बोर्ड का क्लास सिक्स का अर्धवार्षिक पेपर लेके आ चुके हैं। ये आपका क्लास सिक्स का सामाजिक विज्ञान का 100% एकदम ओरिजिनल पेपर है। ये आपका सभी जिला के लिए देख सकते हैं, क्लास सिक्स का है जो कि आपका 50 मार्क्स का आपका है। ठीक, तो ये आपका एकदम ओरिजिनल पेपर है और सभी सब्जेक्ट का वीडियो हम डाले हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का जो ओरिजिनल पेपर है इसी चैनल पर आएगा, तो ओरिजिनल पेपर के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो देख के आप पूरा कॉपी में लिख लीजिएगा और पूरा याद कर लीजिएगा, या जैसे भी हो सके। ये आपका एकदम ओरिजिनल पेपर है। ठीक, यदि आपका क्वेश्चन लड़ेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि यस लड़ा है, नहीं लड़ेगा उसमें बताइएगा कि नो नहीं लड़ा है। ठीक, और यदि आपका नहीं लड़ेगा तो फिर हम आपको दूसरा पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अपना पेपर का फोटो जरूर भेज दीजिएगा। ठीक, उसमें से जो नहीं रह का हम क्वेश्चन कराए हुए रहते हैं वही क्वेश्चन हम यूट्यूब पर भी करा देते हैं और सभी सब्जेक्ट का वीडियो बच्चों को लड़ जाता है। ठीक, तो अपना पेपर जरूर हमारे इंस्टाग्राम पर भेजिएगा। ठीक, अपना जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा और ये आपका एकदम ओरिजिनल पेपर है। ठीक, और जितना भी पेपर आएगा क्लास सिक्स का सामाजिक विज्ञान का भी 2-3 दिन है समय, तो हम इसी चैनल पे आपका अपलोड कर देंगे। ठीक, तो ये भी आपका ओरिजिनल पेपर है, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पे चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से लिया, तो कहाँ से लिया था, तो मेहरगढ़ से लिया था। तो ठीक, यहाँ पे टिक मार दीजिएगा मेहरगढ़। ठीक, ये आपका 8 मार्क्स का है। ठीक, 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ से बने थे, तो किस चीज़ से बने थे, तो पत्थर से बने थे। ये इसका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, हो जाएगा सेकंड आंसर। ठीक, सेकंड ऑप्शन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, राशि की कुल संख्या कितनी है, तो राशि की संख्या 12। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है, घ नंबर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, अपना जिला का नाम जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, और मैथ का भी वीडियो डाला हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पाषाण काल को खाली स्थान भागों में बांटा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रहता है 2, उसमें से 1 भरना रहता है, तो यहाँ पे 3 भरा जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। यहाँ पे टिक मार दीजिएगा इसे और यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे टिक मार के यहाँ पे लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, चांद पर पहुँचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो यहाँ पे राकेश शर्मा हो जाएगा। ये विश्व का है, विश्व का नील आर्मस्ट्रांग, और भारत का पूछेगा तो राकेश शर्मा, तो यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिम बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, तो मछली चोखा है, लिट्टी चोखा बिहार के लोगों का है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3rd नंबर है, सही विकल्पों के सामने सही का चिन्ह लगाना है, 8 मार्क्स का भी है। ठीक, पहला क्वेश्चन है खांसी, तो खांसी एक जनजाति का नाम है। ठीक, एक समुदाय का नाम है। ठीक, और अगला है मगध, तो मगध एक साम्राज्य था, प्रथम बड़ा साम्राज्य था। ठीक, बुध क्या है, एक छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह यही है। भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक पिता कहा जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा, तो इंडिया, तो आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, महान सम्राट भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा, वहीं इंडिया सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडिस से बना है। ठीक, इंडस से बना है। ठीक, वहाँ के लोग सिंधु को इंडस कहते थे। ठीक, तो इसी से इंडिया बन गया था। ठीक, सिंधु उनको नहीं बोलने आता था, तो वो इंडस बोलते थे, तो इंडिया पड़ गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 2rd नंबर क्वेश्चन, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, तो आरंभिक मानव भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3rd है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, उनके नाम लिखे। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह था। ठीक, तो 2006 में प्लूटो को साइड कर दिया गया। प्लूटो का खोज 1930 में हुआ था। ठीक, प्लूटो का ग्रह का खोज 1930 में हुआ था, 2006 में उसको साइड कर दिया गया है। ठीक, तो 8 ही ग्रह है टोटल। ठीक, तो 8 ग्रह है, नाम पहला क्या है, आगे से है सबसे लिखा हुआ, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, पशु क्यों पालते हैं, तो पशु दूध, मांस, चमड़ा तथा सुरक्षा के लिए पालते हैं। ठीक, कुत्ता सुरक्षा के लिए पालते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके गांव के किन किन फसलों में खेती होती है, गांव में आपके कौन कौन सा फसल होता है उसका सूची बनाइए। तो जो भी होता है लिख दीजिएगा, धान, गेहूं, मक्का, मूंग, तंबाकू, गन्ना, ठीक, और दो तीन गो हो सके तो आप लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्द में देना है, 10 मार्क्स का, ठीक। आपका लास्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। तो सौरमंडल में मुझे शनि ग्रह सबसे अलग लगा क्योंकि शनि ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर गोल रिंग बना है, जबकि अन्य ग्रहों में ऐसा नहीं है। शनि का ग्रह जो है, और चित्र बना दीजिएगा तो और अच्छा लग जाएगा, ठीक। चित्र बना दीजिएगा, शनि का एक ऐसा वलय है, ठीक। चलिए क्वेश्चन इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, प्रस्तावना लिखना है, ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखिए, वो एक क्वेश्चन ये दे दीजिए आंसर, चाहे ये दे दीजिए, कोई आंसर आप दे सकते हैं। तो हम सबका आंसर दे दिए हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को ये सब पूरा है, ठीक, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पूरा लिखा हुआ है। तो ये इतना लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, ठीक, कॉपी में लिख के जाइएगा या याद कर लीजिएगा, जैसे भी हो सके ये पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, आरंभिक मानव पत्थर के औजार से जो काम लेते थे उनकी एक सूची बनाना। तो ये तो अपने से भी आंसर दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और सभी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ठीक जी। कमेंट में अपना जिला का नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।